हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एससी वर्मा के सलूशन। और इसमें हम पहले ऑब्जेक्टिव वन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टू करेंगे, फिर एक्सरसाइज भी करेंगे, जो सॉल्व किए हैं वो भी करेंगे, एग्जांपल भी करेंगे। तो बेसिकली नीट वालों को लिए तो ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू और कुछ खास प्रॉब्लम ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी ज़्यादा उनके लिए ज़रूरत नहीं होता है। पर जेई वाले तो पूरा सब कुछ, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में कंटेंट चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम उठाते हैं, कहता है एक पार्टिकल है वो सर्कल में चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है भाई? यूनिफॉर्म स्पीड वह स्पीड होती है जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर एक बच्चा 100 किलोमीटर पर आवर से सर्कल पर दौड़ रहा है तो हमेशा 100 से ही दौड़ेगा बच्चों, कभी न कम न कभी ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे स्पीड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कांस्टेंट होती है। अब भाई यूनिफॉर्म स्पीड और स्पीड क्या है बोलो? स्केलर है। तो अगर स्पीड स्केलर है तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन इनडिपेंडेंट है ये। समझ में आया बात? समझ में आया? अगर घर से बाइक लेके चलते हो, एक बाइक सवार घर से चलता है और वो हमेशा अपनी बाइक 100 किलोमीटर पर आवर से चलाता है और वो किसी भी डायरेक्शन में जाता है, तो मैं बोलूँगा उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो देखो इस ए पॉइंट पर अगर 100 किलोमीटर पर आवर है तो 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन इस पर टेंजेंट देता है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 इधर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 100 है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी भाई इधर है और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? अभी भी 100 है। तो इस पॉइंट पे इस वेलोसिटी किधर है? इधर है, ठीक है ना। टेंजेंट बनाते हैं बच्चों, जब कभी भी पार्टिकल कर्व पाथ पे चलता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी v4 इधर है। ये सारे वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज नॉट इक्वल टू v3, ये सारे वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है बच्चों, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या है? आपस में इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3। इनका सबका मॉड लोगे तो ये सब मॉड आपस में न्यूमेरिकल एक वैल्यू देंगे जो कि 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, हमेशा याद रखना है, हमेशा कांस्टेंट होता है। और वेलोसिटी तो हमेशा वेरिएबल होती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है, और वेलोसिटी ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग, केवल डायरेक्शन ही बदल रहा है और कुछ इसमें नहीं बदल रहा, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर है कि वेलोसिटी वेरिएबल है। तो अब अगर देखोगे तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोथ आर कॉन्स्टेंट, ये ऑप्शन गलत है। वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, ये भी गलत है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, वेल वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं क्या है कि, तो अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात करोगे बच्चों, तो चलो एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो इस अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन एक आता ही आता है। और इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है v² / रेडियस ऑफ द पाथ, ठीक है। और ये स्केलर फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ये पॉइंट पर लिखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये वेक्टर ए और -v² r i कैप, निगेटिव i कैप की तरह देख रहे हो। तो वेक्टर में अगर लिखोगे तो इसका इस पॉइंट पर अगर देखोगे, इस वाले पॉइंट पर अगर देखोगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे एक्सलेशन है तो सेंटर की तरफ। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एक्सलेशन हमेशा कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर में, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक्सलेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में वेरिएबल होता है। अगर बी पॉइंट पर एक्सलेशन लिखोगे तो वही एक्सलेशन जो है, एक्सलेशन एट द पॉइंट बी अगर जो देखोगे तो वही आ जाएगा -v² r और ये निगेटिव जे कैप, जबकि मैग्नीट्यूड में ए मॉड और ये बी मॉड, ठीक है ना, ये सब आपस में बराबर है बच्चों, और इनकी वैल्यू है v² / r या r ω², ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में एक्सेलरेशन इक्वल है
और डायरेक्शन में हर पॉइंट पे वेरिएबल है। तो अगर एक्सलेशन की बात करें तो एक्सलेशन वेरिएबल है, हर पॉइंट पे ये सेंटर की तरफ आ रहा है ऐसे, तो एक्सलेशन वेरिएबल होता है और वेलोसिटी भी वेरिएबल होती है, स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही है।